जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस बार जन्माष्टमी 2 दिन की थी, हर बार ही 2 दिन की होती है, 6 और 7 की। हमने मनाई 6 की। सुनने में आ रहा था कि गृहस्थ के लिए 6 की है, मंदिरों में 7 की है। 2 दिन से जन्माष्टमी की खूब रौनक थी। मेरे छोटे बेटे ने ठाकुर जी की खूब सेवा करवाई मेरे साथ, और हमने बड़ी ही धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई। कई तरह के भोग बनवाए, माखन मिश्री, पक्का भोजन, पूड़ी, आलू, मेवा पाक का भोग लगता है, उसमें मैंने नारियल और खोए के लड्डू बनाए और मगज और गोंद की बर्फी बनाई, जो इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। प्रसाद के रूप में जो चीज बनाओ वो वैसे ही बहुत अच्छी बनती है। अब ये मेरा बेटा पंचामृत से ठाकुर जी को स्नान करा रहा है। स्नान करा के हमने उन्हें बहुत ही सुंदर वस्त्र पहनाए। ये हम ब्लू कलर की उनके लिए ड्रेस लाए थे, जो हमने 6 तारीख को उनको पहनाई थी। इस बार मेरे बेटे का झांकी लगाने का बहुत ही मन था, और हमने फर्स्ट टाइम अपने घर में ठाकुर जी की झांकी लगाई, वरना तो हम मंदिर में उन्हें झूले में ही बिठा देते हैं। और बहुत ही सुंदर लग रहा था हमारी झांकी, और ठाकुर जी भी देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। मैं आपको दर्शन कराती हूँ। आओ रसोई में चलते हैं और ठाकुर जी का प्रसाद बनाते हैं। हमारे घर के पास एक आंटी रहते हैं, उन्हें इन प्रसाद का बहुत एक्सपीरियंस है। उन्होंने मेरे साथ मिलके बनाया, उन्होंने ही बनाया, मैंने उन्हें तैयारी करके दी। कढ़ाई में हमने सबसे पहले घी लिया, फिर उन्होंने ये गोंद होती है ना, गोंद को भून लिया। गोंद को उन्होंने अच्छा करारा करा था, करारा करके उसको हमने एक प्लेट में साइड में निकाल लिया। ये हम गोंद, मगज और नारियल का पाक बना रहे हैं। फिर हमने एक कटोरी मगज लिए और एक कटोरी नारियल लिया। इनको भी हमने अच्छे से भून लिया, और भून के एक साइड में ठंडा होने के लिए रख दिया। इसके लिए अब हम करेंगे चाशनी तैयार। इस हमने ले लिया कढ़ाई, उसमें ऐड करा पानी और चीनी, साथ साथ हमारा खोया भी बन रहा है, जो हमने खोए और नारियल के लड्डू बनाने हैं। उन्होंने मुझे चीनी और पानी के रेशो के बारे में क्या बताया कि चीनी लो और उसमें पानी, उतना पानी डालो कि आपकी चीनी डूब जाए, वो बोल रहे थे। जो ये चाशनी वाली जमाने वाली चीज़ें होती हैं ना, उसका रेशो यही रहता है, वो कभी भी नाप के नहीं बनाते, हमेशा अपने एक्सपीरियंस से ही वो चीज़ें बनाते हैं। 10 मिनट में हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई थी। इसमें हमने फिर ऐड करे अपने भुने हुए मगज, नारियल और गोंद, और फिर गैस चला के हमने इसको 1-2 मिनट लगा के अच्छे से मिक्स करा। फिर इधर हमने अपनी थाली को ग्रीस कर लिया था, फिर हमने सारा ये मटेरियल अपना ट्रांसफ़र कर दिया अपनी थाली में। कटोरी पर हल्का सा घी लगा के हमने इसको प्रेस करके जमने के लिए छोड़ दिया। हमारा गोंद पाक रेडी हो गया। अब हम तैयार करेंगे नारियल और खोए के लड्डू। नारियल लड्डू बनाने के लिए हम डेसिकेटेड कोकोनट का यूज़ कर रहे हैं। एक कटोरी नारियल लिया था और इसको बिल्कुल सिम गैस पे भून लिया, और भूनने के बाद उसी नारियल को हमें पीसना है। इससे लड्डू जो है हमारे बहुत सॉफ्ट बनेंगे। फिर हमने काजू लिए और काजू को हमने क्रश कर लिया, और हमने ली किशमिश, और अब हम इनको भूनेंगे देसी घी में। भूनने से क्या होता है कि इनका फ्लेवर बहुत एनहांस हो जाता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब भून के जो हमने नारियल पीसा था और ये ड्राई फ्रूट पीसे थे, इनको इकट्ठा कर लिया। ये हमारा खोया बन रहा है, हमारे गाय के घी का खोया बन रहा है। खोया बनने में टाइम लग जाता है। खोया हमने 1.25 किलो दूध का बनाया है। अब खोया बिल्कुल बन के रेडी है, और इसमें हम कर लेंगे 1/2 कटोरी से कम चीनी ऐड, क्योंकि खोए में बनते हुए अपने आप ही उसकी मिठास आ जाती है। और इसमें हम ऐड करेंगे पिसा हुआ नारियल और भुने हुए ड्राई फ्रूट्स। गैस को कर देंगे बंद और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मिक्स करके हम इसको रखेंगे ठंडा होने के लिए। मिक्सचर को बिल्कुल ठंडा नहीं करना, इतना ठंडा करना है कि हम इसको हाथ लगा सकें, कि हाथ से हम इजीली लड्डू बना सकें। फिर मैंने इस मिक्सचर से बना लिए थे छोटे छोटे से लड्डू, और ये लड्डू फिर हमने लगाए ठाकुर जी को भोग, और फिर बाद में हमने करे थे इसको टेस्ट, और ये बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बने थे। नारियल को हमने पीस लिया था ना, उससे ये लड्डू। और ये हमारा मगज का पाक भी बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हमने ठंडा कर लिया था, ठंडा करके इसके हमने पीसेस काट लिए। काफ़ी अच्छे पीसेस निकल गए थे, और जो साइड में थे वो ऐसे ही रह गए थे, क्योंकि गोंद है, गोंद मोटी मोटी होती है, उसको थोड़ा सा पीसेस में कट करना पूरा
तो मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज हमारे जो ये पाक था बहुत अच्छा जमा था, आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना। शाम के समय हमने लड्डू और मेवा पाक का भोग लगाया था और सुबह हमने बनाया था मक्खन और मक्खन मिश्री का भोग लगाया था। रात में के लिए हमने बनाया था धनिया पंजीरी का प्रसाद, जो 12 बजे उनको भोग लगा था। ये तो सबसे मेन भोग होता है। और सुबह हमने उन्हें पक्का भोजन का भोग लगाया था, उसमें हमने आलू पूड़ी रायता चटनी बनाई थी। बहुत ही आनंद से हमने अपनी जन्माष्टमी मनाई। 7 तारीख के दर्शन है हमारे ठाकुर जी के, संध्या टाइम में हमने मिलके आरती करी। आप भी दर्शन करो और संध्या आरती का आनंद लो। चांदनी चंद कटत भव सन तेर सुन दीन भिखारी के श्री गिरि।